तो दोस्तों, मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी 22 मई 2017 को कि कैसे किसी भी वेबसाइट को आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसमें जो यूज किया था वो यूज किया था मैंने MIT App Inventor 2 का। तो उम्मीद है आपको उसमें को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब एक सवाल आता है कि क्या हम उस पर एड्स दिखा के पैसे कमा सकते हैं। तो वैसे तो MIT App Inventor पर ऐसा ऑप्शन है नहीं कि उस पर एड्स दिखा के पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो अपने ऐप से पैसे कमाना चाहते हैं कि क्या कोई एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पे ऐड दिखा के पैसे कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं समृद्ध शर्मा, आप लोग देख रहे हैं टेकी सैम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उस सवाल का जवाब है हाँ, आप अपने वेबव्यू ऐप पे एडमोब के एड्स दिखा के पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप MIT App Inventor 2 ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। तो लॉगिन में ये आपका गूगल अकाउंट मांगेगा, तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले साइन इन हूँ, तो इसलिए मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपसे ये कुछ परमिशन में अलाउ मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। और ये आ गया। तो अब आप जिस ऐप पे ऐड दिखाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट्स में और माय प्रोजेक्ट्स में। अगर आप नया प्रोजेक्ट बना के उस पर ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको चूज कर लेना, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेबव्यू APK बनाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं किसी एक को चूज कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबव्यूअर 1 है, फील पैरेंट, और ये मेरे यूट्यूब चैनल का वेबव्यू APK है। तो मैंने ये बनाया। अगर आप नहीं जानते कि वेबव्यू APK आप कैसे MIT App Inventor पे बना सकते हैं, तो सजेस्टेड वीडियो में मैंने उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या लिंक में भी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये सब है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट्स में आपको करना यह है कि आपको एक्सपोर्ट करना है सिलेक्टेड प्रोजेक्ट टू माय कंप्यूटर। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप जहां सेव करना चाहते हैं वहां पे सेव कर दीजिए। उसके बाद ये सेव हो गया। अब आपको एक नया साइट खोलना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर लीजिएगा। या आप सिंपली लिख सकते हैं beta.thunkable.com। इसमें उसी तरह गूगल से साइन इन हो जाइएगा। साइन इन हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। तो यही साइन इन विद गूगल हो जाइए, जो आपका अकाउंट है उसको चूज कीजिए और साइन इन हो जाइए। उसके बाद आपको आना है यहाँ ऐप में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपलोड ऐप प्रोजेक्ट .aia फ्रॉम माय कंप्यूटर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज फाइल में आप जाके उस वेब व्यू को सेलेक्ट कीजिए और ओपन करके ओके क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका फाइल प्रोजेक्ट यहाँ लोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ भी बना सकते हैं, MIT App Inventor के तरह आप यहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ बना लिए हैं और यहाँ मेहनत नहीं करना चाहते तो आप एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है,
आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं दो तरीके का ऐड है, एक है एड मोब बैनर और एक है एड मोब इंटरस्टिशियल। तो ये दोनों एड्स आप अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है कि आपको स्क्रीन वन पे क्लिक करके यहाँ पे साइजिंग में आपको रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर देना है, ओके। और उसके बाद स्क्रीन ओरिएंटेशन में यूजर, सॉरी मैं, आप जो भी स्क्रीन का ओरिएंटेशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो मेरा पोर्ट्रेट ही रहेगा। उसके बाद आपको इसको यहाँ ड्रैग कर देना है, ओके, इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर देना है, ओके। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एड मोब बैनर यहाँ आ गया। तो आपको यहाँ टेस्ट मोड को अनचेक करना है और विजिबल रहने देना है, और यहाँ पे अपने बैनर का एड यूनिट आईडी डालना है। तो अब आप एड यूनिट आईडी कैसे जनरेट करेंगे, तो आपको अपने एड मोब अकाउंट में साइन इन होना है। अगर आपने एड मोब अकाउंट नहीं बनाया तो अभी जाके साइन अप होके बना लीजिए, उसके बाद आपको इसमें साइन इन हो जाना है। साइन इन हो जाने के बाद आप यहाँ ऐप्स में जाइए। अगर आप कोई पहले से बना हुआ ऐप का यूज करना चाहते हैं तो उसका कर सकते हैं, नहीं तो नया ऐप का बना करके उसका एड यूनिट आईडी यूज कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपने गूगल प्ले स्टोर पब्लिश किया है, तो मैंने नहीं किया है। नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे वेब व्यू दे देता हूँ और प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और ऐड कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट एड यूनिट पर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बैनर सेलेक्ट करके कुछ इसका नाम दे देता हूँ बैनर, और सेव कर देता हूँ। तो इसका एड यूनिट आईडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एड यूनिट आईडी आ गया। अगर आप इस पर इंटरस्टिशियल ऐड भी दिखाना चाहते हैं तो उसको ड्रैग कीजिए, ये एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है। इसका टेस्ट मोड अनचेक करके सेम एज दैट इंटरस्टिशियल का भी एड यूनिट आईडी आप जनरेट करके उसका भी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पेस्ट करने के बाद आपका XML डिजाइन हो गया, मीन्स जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो में XML डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में आने के बाद ये जो बैनर ऐड है ये आपका लोड कब होगा, जब आपका वेब व्यू लोड होगा। तो व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज में जब वेब व्यू लोड होगा तो उसी समय एड मोब बैनर भी लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे एड मोब बैनर वन में आइए, यहाँ कॉल एड मोब बैनर वन लोडेड पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद व्हेन आपको सेलेक्ट करना है व्हेन एड मोब बैनर वन एड लोडेड, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेट एड मोब बैनर वन विजिबल टू, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है और लॉजिक में जाके इसको ट्रू यहाँ हो जाना। तो इस तरीके से आपका बैनर ऐड लोड हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल ऐड की तरफ। तो इंटरस्टिशियल ऐड में करना क्या है, अब आप देखिए इंटरस्टिशियल ऐड आप कब लोड करना चाहते हैं, जब बैक स्क्रीन, अगर बैक बटन क्लिक होने पे आप इंटरस्टिशियल ऐड लोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ कंट्रोल में जा सकते हैं, सॉरी स्क्रीन वन में जाइए, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं व्हेन स्क्रीन वन बैक प्रेस्ड। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहले से है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। व्हेन स्क्रीन वन बैक प्रेस्ड, ओके, तो ये दूसरे स्क्रीन को खोलेगा जो कि एग्जिट डायलॉग बॉक्स है। मैंने एक एग्जिट डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है जिससे यस क्लिक होने पर ये एग्जिट हो जाएगा, नो क्लिक होने पर नहीं होगा, ओके। तो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन वन पे ब्लॉक्स में। तो जब स्क्रीन वन बैक प्रेस्ड हो तो एक एड मोब इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो जाए, ओके। और अगर ये एड मोब इंटरस्टिशियल ऐड लोड नहीं होगा तो दूसरा स्क्रीन एड मोब एग्जिट डायलॉग बॉक्स नाम का खुल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इंटरस्टिशियल और बैनर ऐड दोनों दिखा दिए। अब आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे जाना है और सेव डॉट एपीके टू माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली कंपाइल करके सेव कर देगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही में ऐड लोड ले रहा है या नहीं ले रहा।
दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वेब व्यू नाम से ऐप आ गया है। तो आइकन आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट आइकन प्रोवाइडेड, अगर आप आइकन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट आइकन आपका इस तरीके का रहेगा beta.thunkable.com से। तो मैं इसको अब ओपन करके दिखाता हूँ कि ऐड लोड लेता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टाइटल आ गया है। अगर आप आइकन को चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ पे इस आइकन की जगह आपका आइकन आएगा। तो आप लोग को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आइकन कैसे चेंज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसे बताने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट में कि ये ऐड लोड लेता है या नहीं लेता है। ओके दोस्तों।